जय श्री राम। ये जो आखिरी वीडियो में पिछली जो वीडियो है अजब अजब की भाग दो में आपको प्रथम चरण तक मैंने बता दिया था। अब क्या होता है कि इसके चरण होते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको कहीं से जानकारी प्राप्त हो, देखो ये दुनिया है और आप जो है जिज्ञासु लोग हो, आप जानकारी ले सकते हो, आप बहुत अच्छी बात है, जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन पूर्ण जानकारी, आधी अधूरी ज्ञान या आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। अब मान लो आपको कहीं से जानकारी मिल गई, पर क्या पता वो कौन से चरण में आता है ये हमको पता नहीं, और हमने शुरू कर दिया तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि चरण के साथ चलना पड़ता है। मैं अपनी जो भी वीडियो बनाता हूँ, भाग एक, भाग दो, भाग तीन, वो सीक्वेंस वाइज बनाता हूँ, ठीक है, कि किसके बाद क्या करना है। वो आपको समझ में आ गया होगा, इस परिवार की, इस मन मंदिर चैनल की जो वीडियो आप शुरू से देख रहे होंगे वो सीक्वेंस वाइज चलाया। मेरा कार्य जो है भटकाने का नहीं है, मैं नहीं चाहता किसी का समय बर्बाद हो, तो इसलिए चरण वाइज मैं बनाता हूँ। और ये जो अजब अजब की साधना है इसमें तो ये तो चरण वाइज ही चलता है। जितना ज्ञान मैं, जितनी बात मैं आपको अजब अजब के बारे में इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इतना आपको पूरे संसार में कोई नहीं बताएगा, कोई चैनल नहीं बताएगा, कोई गूगल नहीं बताएगा, कोई ग्रंथ भी नहीं बताएगा। प्रथम चरण तक मैंने आपको पहले बता दिया, अभी मैं आपको द्वितीय चरण बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रथम चरण के ठीक बाद द्वितीय चरण पर हमको आना है। प्रथम चरण का अभ्यास करते समय पहले जो श्वास लेते थे वो सो के साथ लेते थे, और बाहर निकालते समय जो है ह को जोड़ते थे तो सो हम बनता था। अब द्वितीय चरण में जो है पहले श्वास को ह के साथ बाहर निकालना है और फिर श्वास को सो के साथ लेना है जो हंसो बना देता है। तो पहले चरण में सो हम बना रहे थे, अभी दूसरे चरण में हंसो बनाना है, समझ रहे हो। तो एक आवृत्ति के बाद, एक चक्कर के बाद, ठीक है, मानसिक शून्य की स्थिति में आइए, आपको आना पड़ेगा। चेतना जो है उसको आज्ञा चक्र या फिर अनाहत चक्र में एकाग्र करिए। यही पहले में भी कर रहे थे लेकिन सोहम के साथ, अब भी यही कर रहे हैं लेकिन हंसों के साथ। पुनः जो आने जाने वाली श्वास के साथ हंसों का अभ्यास करना है। कुछ दिनों तक लगातार अभ्यास से इसमें आपको पूर्णता हासिल होगी तृतीय चरण में आने के लिए। अब क्योंकि ये आखिरी भाग है इस अजपाजप का, तीसरा भाग है और आखिरी भाग है, तो इसमें सारे चरण आपको बता दूंगा। दूसरा चरण हो गया, अभी तीसरा चरण आपको बता रहा हूं। किसी स्थिर आसन में सुखपूर्वक बैठकर भीतर तथा बाहर आने वाली श्वास पर चेतना को केंद्रित करना है। यह आप ध्यान में भी करते हो, ध्यान के साथ भी आप अजपाजप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुभव करिए कि अपनी श्वास जो है नासिका से नाभि तक जा रही है और नाभि से नासिका तक वापस आ रही है। भीतर जाने वाली श्वास के साथ सो तथा बाहर जाने वाली श्वास के साथ हम का ध्यान करना है आपको। लय युक्त सो और हम की तरंगों से इस तरह जोड़े कि सो हम और हंसो की एक आवृत्ति बन जाए। पहले चरण में सो हम, दूसरे चरण में हंसो, तृतीय चरण में क्या कर रहे हो आप, सो हम और हंसो, सो हम और हंसो, मतलब जा रही है सांस फिर आ रही है सांस, तो दोनों का चल रहा है। तो ये एक आवृत्ति बननी चाहिए। नहीं समझ में आया तो बैकवर्ड करके दोबारा से सुन लेना, समझ में आ जाएगा। एक आवृत्ति के बाहर जो है मानसिक शून्यता की स्थिति में आकर आपको अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है। अब अनाहत की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कहां पे, आज्ञा चक्र पे, भ्रूमध्य पर केंद्रित करना है। दोबारा से सोहम और हंसों की आवृत्ति को दोहराना है, इसको दोहराएं अब केंद्रित करने के बाद आज्ञा चक्र पे। तृतीय चरण के पूर्ण अभ्यास के बाद आपको अब चौथा चरण आता है, उसका अभ्यास करना होगा। जब इसमें पूर्णता हासिल हो जाएगी तब चौथा चरण है। चौथा चरण क्या कहता है कि किसी भी स्थिर या आरामदायक आसन में बैठकर, जोन से भी आपको आसन आरामदायक लगे उसमें, ठीक है, ऐसा कोई आसन में ना बैठें जो जिसमें आपको कंफर्टेबल फील ना हो रहा हो, ठीक है। तो आरामदायक आसन में बैठ जाएं, आप सुखासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठ सकते हो। लंबी सांस लेकर चेतना को मूलाधार पर केंद्रित करें, जहाँ पे आपका गुदा है वहाँ मूलाधार चक्र होगा, वहाँ पे आपको अपना ध्यान वहाँ पे केंद्रित करना है। चौथे चरण की मैं बात बता रहा हूँ। अनुभव कीजिए कि मूलाधार चक्र में
कुंडलिनी जो है वो त्रिभुज आकार की आकृति के अंदर मुंह नीचे करके तथा पूंछ ऊपर करके सुस्त पड़ी हुई है। ये देखो मैंने पहले ही कहा, विचारों में बहुत वजन है। आध्यात्मिकता में आधा काम विचार करते हैं। तो आपको ये सोचना होगा, ये अनुभव करना होगा, महसूस करना होगा। तो अनुभव कीजिए कि मूलाधार चक्र में कुंडलिनी जो है वो त्रिभुज के आकार की आकृति के अंदर मुंह को नीचे करे हुए और पूंछ को ऊपर किए हुए सुस्त पड़ी हुई है। अब 100 के साथ श्वास लीजिए और चेतना को 100 की तरंग के साथ मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र और अंत में आज्ञा चक्र पर केंद्रित कीजिए। समझ में आई आपको मेरी बात? 100 के साथ जो है आपको श्वास लेनी है, चेतना को 100 की तरंग के साथ जो है आपको मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर अंत में आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है। आज्ञा चक्र में श्वास की चेतना को जो है रोक कर हम की मानसिक तरंगों के साथ सांस को छोड़ना है और छोड़ते हुए मेरुदंड होते हुए मूलाधार चक्र में अपनी चेतना को केंद्रित करना है। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब क्या करना है, मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक 100 के साथ आरोहण करते हैं तथा आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र तक हम की तरंग के साथ अवरोहण होता है। इस चतुर्थ चरण का पूर्ण अभ्यास होने पर आपको आगे का चरण बता रहा हूं, उसका फिर अभ्यास करना होगा, ठीक है? तो ये आखिरी चरण है, ये पंचम चरण है। षणमुखी मुद्रा या फिर योनि मुद्रा भी उसको कह सकते, मतलब योनि मुद्रा भी है उसमें, आप वो भी कर सकते हैं। पद्मासन या वज्रासन में बैठकर दोनों अंगूठे से दोनों कानों को आपको बंद करना हो, जो छिद्र हैं दोनों कानों के उसमें दोनों अंगूठे लगाने होंगे, उससे बंद हो जाएंगे आपके दोनों कान। दोनों तर्जनी से दोनों आंखों को, मध्यमा से दोनों नाक के छिद्रों को और अनामिका जो उंगली है, दोनों अनामिका उंगली के ऊपर के दोनों होठों को कनिष्ठा से बीच और होठ के ऊपर ऐसे लगाना है, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, उसकी स्थिति में आपको बैठना होगा, ठीक है? फिर 100 की तरंगों को रीढ़ प्रदेश यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है वहां तक मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक ले जाइए। इससे कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है, ठीक है? जो मैं नहीं बताना चाह रहा था वो आप मेरे बता ही दिया वैसे कि ये भी प्रक्रिया है कुंडलिनी जागृत करने की। तो 100 की तरंगों की जो है रीढ़ से मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक ले जाइए। फिर आज्ञा चक्र में मानसिक शून्यता की स्थिति में आपको आना होगा। ये प्रैक्टिस से होगा। अब बहुत से सवाल यहीं आ जाएंगे कि भाई यार शून्य की स्थिति में कैसे आए? भाई पहले तो हो सकता है आपको बहुत सारे विचार आएंगे तो वो ध्यान से ही जाएगा। शून्य की स्थिति कैसे लानी है वो ध्यान से ही आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अजपा आप अभी मत करिए, यह अभी की स्टेज नहीं है। जब आप शून्य की स्थिति में आने लगे, विचारों को अपने से दूर करने लगे, तब बहुत बाद के बाद ये अजपा जप किया जाता है। आप शुरुआत में इसकी प्रैक्टिस करेंगे नहीं होगा, फिर आप बोलेंगे कि गलत बता दिया। मैं तो पहले ही कह रहा हूं शुरुआत के साधकों के लिए नहीं है, क्योंकि जब तक हमें शून्य की स्थिति में आना नहीं होता है, जब तक हमें उसका पता नहीं चलता है, तब तक अजपा भी नहीं होगा। तो आज्ञा चक्र में मानसिक शून्यता की स्थिति में आइए। फिर आज्ञा चक्र में मानसिक शून्यता की स्थिति के बाद हम की तरंग के साथ आज्ञा चक्र से मूलाधार में मानसिक शून्यता की स्थिति के बाद हम की तरंग के साथ, दोबारा से बता रहा हूं, आज्ञा चक्र से मूलाधार तक चेतना को रीढ़ से होते हुए ले जाना है। हो सकता है कुछ लोगों को ये कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है आध्यात्मिक की या अजपा जप की या फिर कुंडलिनी की, वो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और उनके लिए ये जो तीनों भाग हैं वीडियो के, ऐसे साधकों के लिए ये तीनों वीडियो जो हैं एक वरदान साबित होंगी।
क्योंकि ये मैंने जो बता दिया वो पूरा सार बता दिया अजब अजब का आपको, इससे ज़्यादा नहीं बता पाएगा कोई। तो एक आवृत्ति इसके एक मैं दोबारा से बता देता हूँ। आज्ञा चक्र में मानसिक शून्यता की स्थिति के बाद हम की तरंग के साथ जो है आपको आज्ञा चक्र से मूलाधार में चेतना को जो है रीढ़ की हड्डी से होते हुए ले जाना है। अब इस एक आवृत्ति के बाद श्वास छोड़कर आराम की स्थिति में आना है। फिर दोबारा से पुनः योनि मुद्रा की स्थिति में आकर सो की तरंग के साथ मूलाधार से आज्ञा चक्र तथा हम की तरंग को आज्ञा चक्र से विभिन्न चक्रों से होते हुए मूलाधार चक्र की आवृत्ति का ये अभ्यास करते रहना है। फिर ये जो है, ये जो अभ्यास है, ये वाला जो अभी बताया है, यही है जो मेन है। ये बिल्कुल पंचम चरण का आखिरी अभ्यास है और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। ठीक है, इस प्रकार अजपाजप के अभ्यास से साधक जो है आत्मा और ब्रह्म की एकता का हृदय में जो है आनंद प्राप्त करता है, सच्चिदानंदमय हो जाता है। मानव चेतना विकास की जो उच्चतम स्थिति है समाधि, उसमें पहुंच जाता है। तो ये अजपाजप था, मैंने आपको संपूर्ण ज्ञान अजपा दे दिया है, पांचों चरण बता दिए हैं। जो चरण आपको दोबारा से सुनना है बैकवर्ड करके दोबारा से सुन लीजिए, इसको लिख लीजिए। मुझे नहीं पता, मैं हो सकता है इस वीडियो को डिलीट कर दूं, क्योंकि ये गुप्त ज्ञान है, ऐसे ही सबको नहीं देते। तो मैं कुछ समय के बाद पता नहीं डिलीट करूंगा इसे या नहीं, पर आप इसको लिख लें, कहीं तो लिख लें जो आपके साथ सदैव रहे। इसके साथ रोगोपचार कैसे होता है, रोगों का उपचार कैसे होता है वो देखिए। प्राण मंत्र और चेतना को संयुक्त करने से अजपा बनता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन केवल पूजा और जप का एक तरीका मात्र नहीं है। अजपा एक साधना नहीं है, अजपा समाधि भी नहीं है, ये एक प्राणायाम भी नहीं है। अजपा जो है मनुष्य के तीनों आदि भौतिक, आदि वैदिक और आध्यात्मिक तपों का शमन करता है। ये जो विभिन्न तनाव हैं, क्रमशः शारीरिक तनाव हो गया, मानसिक तनाव हो गया, भावनात्मक तनाव हो गया, इसको दूर करने की जो शांति है वो प्रदान करता है। अजपा जप का अभ्यास जो है कुंडलिनी जागरण में सहायक होता है, जैसे कि मैंने अब आपको पहले बताया है। अनिद्रा, हृदय रोग, सर दर्द, इस तरह के ना जाने कितने रोग भी हैं, वो बिल्कुल अजपा से ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल रामबाण साबित होते हैं। तीन प्रकार के जो ताप होते हैं उसके शमन के लिए जो हमारे नाथ सिद्ध योग योगी रहे हैं, उन्होंने एक मंत्र दिया जिसे अजपा गायत्री बोलते हैं, जिसे हम सोहम बोलते हैं। इसके विभिन्न चक्रों के स्थान जो हैं देवता तथा अजपा की संख्या बताई गई है। इसका अभ्यास करने से जो भी साधक, सभी प्रकार के जितने भी उसके ताप होते हैं उनका शमन हो जाता है, परम सुख को प्राप्त करता है, सदैव शांति का अनुभव करता है। तो जो साधक अजपा की स्थिति में अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं या आ रहे हैं लेकिन उसको इस बात का ज्ञान नहीं कि क्या करना है, तीनों वीडियो देख ले। यही तीनों वीडियो अजपा जप की संपूर्ण ज्ञान है, इसके अलावा आपको कोई कहीं नहीं बताएगा। इसके अलावा अजपा जप में कुछ है भी नहीं, ये मैंने संपूर्ण ज्ञान बता दिया आपको। ठीक है, जय श्री राम।